हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल गुरु। आज के वीडियो में हम एक और इमेज का फॉल सीलिंग जो मैंने कंप्यूटर से रैंडमली लिया है उसका फॉल सीलिंग हम ऑटोकैड में बनाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं वो इमेज का फॉल सीलिंग आप ऑटोकैड में कैसे बना सकते हो वो आज देखेंगे। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन का इंटरफेस है, यहाँ से न्यू में जाते हैं। न्यू में जाने के बाद यहाँ पे वर्किंग एनवायरनमेंट आपके सामने इस तरह खुल जाएगा। सबसे पहले मुझे ग्रिड लाइन नहीं चाहिए, यहाँ से ग्रिड लाइन का ऑप्शन है, वहाँ से मैं ग्रिड लाइन रिमूव कर लेता हूँ। यूनिट आपको सेट करने पड़ेगी, UN एंटर। यूनिट आप सेट कर लो, यहाँ से डेसिमल है तो यहाँ से आपको आर्किटेक्चर करेंगे और यहाँ से 1/2 इंचीस यहाँ पे कर देंगे, ओके कर देंगे। यूनिट सेट करने के बाद दूसरा एक काम होता है जो डायमेंशन सेट करने का होता है, तो डी एंटर प्रेस करना है और यहाँ से मॉडिफाई में जाना है। मॉडिफाई में जाने के बाद यहाँ पे आपको प्राइमरी यूनिट्स हैं, यहाँ पे आर्किटेक्चरल और यहाँ से 1/2 इंचीस करना है। टेक्स्ट अगर आप बदलना चाहते हो तो यहाँ उसमें फिट में जाके वो स्केल थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 5 कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ओके करके सेट करंट करना है और फिर से क्लोज कर देना है। वो जो मैं इमेज की बात कर रहा था वो फ्रेंड्स आपके स्क्रीन के सामने ये रही। तो आज ये बहुत ही ब्यूटीफुल फॉल सीलिंग का ड्राइंग हम ऑटोकैड में करने वाले हैं। सबसे पहले उसका जो डायमेंशन है वो हम 1/2 कर लेते हैं, कौन से कहाँ डायमेंशन कौन सा रखेंगे। तो फ्रेंड्स पहले रूम की साइज फाइंड करते हैं। इससे पहले यहाँ से ये मैं 2 फीट रखूँगा, यहाँ से ये भी 2 फीट आएगा, बीच वाला गैप है वो 9 इंच हम रखेंगे, इसके बाद ये गैप है वो 2 फीट आएगा, ये 1.5 के स्क्वायर, एक 1.5 का स्क्वायर, तीसरा 1.5 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 फीट। यहाँ पे तो 9 इंच हमने रखा ही था, तो अब टोटल कितना हुआ वो देख लेते हैं। 2 और 2 4, फिर यहाँ 9 इंच और 9 इंच यानी 1.5 फीट, 2 फीट और 2 फीट 4 फीट और यहाँ पे 4.5 फीट, ये यानी 4 फीट ये हुआ, 1.5 फीट ये हुआ यानी 5.5 फीट, 5.5 फीट के बाद 4 फीट ये हुआ, तो 9.5 फीट, 9.5 फीट और 4.5, 10 और 4 14, 1.4, 14 फुट का उसका लेंथ हुआ। और ये हम रख लेते हैं कुछ 14 बाय, देख लेते हैं, माप एज्यूम करते जाते हैं। यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे भी 2 फीट आएगा, यहाँ पे हमारा 9 इंच आएगा, फिर यहाँ से ये गैप कितना लेना है वो देख लेते हैं। यहाँ से ये वाला गैप, यहाँ तक ये गैप यहाँ से 2 फीट था तो उसे ज़्यादा 3 फीट लेंगे हम, 3 फीट के बाद 1.5 फीट ये आएगा, फिर यहाँ से जाके ये रहेगा वो 1.5 फीट, फिर ये 1.5 फीट आया अपना, ये 1.5 फीट आएगा और यहाँ से ये 3 फीट आएगा। यानी कौन कौन से माप हुए, पहले 2 फीट आया, फिर 9 इंच आया, फिर 3 फीट आया, फिर 1.5 फीट आया, 1.5 फीट आया, फिर बॉक्स के अंदर अंदर 1.5 फीट, फिर 1.5 फीट का फिर से बॉक्स, फिर 1.5 फीट, यानी 1.5 फुट ये, 1.5 1.5 3, 3 और 1.5 4.5 4.5 और 1.5 6 6 और 1.5 7.5 फीट होना चाहिए, 1.5 फीट
और यहाँ से टोटल 3 फीट, इतना माप आया हमारे पास। और यहाँ पे 2 फीट तो था ही, दो दो फीट और ये 2 फीट 9 इंचीस, 9 इंचीस बाद में लेते हैं, 2 फीट, 3 फीट, 5 इंच, 5 फीट, 5, और ये पे 19 फीट जितना हो रहा है, 19 फीट आसपास। तो 14 फुट बाय 19 फीट का ये प्लान हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये जो माप अभी निकाल लेते हैं, ये 14 फीट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से जो आएगा अपना 19 फीट। ये थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, हम जैसे ड्रॉ करते जाएंगे मालूम पड़ेगी हमको। तो वर्किंग एनवायरनमेंट में आ गए हैं अभी ऑटोकैड में। तो सबसे पहले रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, REC एंटर, एक पॉइंट सिलेक्ट करना है। नीचे आप देख सकते हो एरिया, डायमेंशन, लोकेशन, डायमेंशन में क्लिक करना है। और हमारा क्या माप था वो ड्राइंग में, 14 फीट था। तो पहले 14 फीट एंटर, फिर 19 फीट एंटर, तो ये रेक्टेंगल हमारे पास आ गया है। वाई और एक्स एक्सिस आप देख सकते हो यहाँ पे, उसको उसके स्थान पर ले जाने के लिए UCS आइकन एंटर, यहाँ पे नो ओरिजिन कर दो आप। हमारे पास रेक्टेंगल है अभी, अब ड्रॉ करते जाएंगे एक एक। पहले तो ये 2 फुट की बॉर्डर है चारों तरफ, तो इसके लिए पूरा सिलेक्ट करना है। ऑफसेट ओ एंटर, 2 फीट एंटर, फिर से सर्कल सिलेक्ट, रेक्टेंगल सिलेक्ट करो, ओ एंटर, यानी ऑफसेट कमांड स्टार्ट हो गया। 2 फीट एंटर, अंदर की ओर कर्सर ले जाकर क्लिक कर दो। यहाँ पे हमारा बॉक्स हो गया तैयार। यहाँ पे सिलेक्ट करके हमें एक्सप्लोर कर देना है, सभी लाइन इंडिविजुअल सिलेक्ट हो, इसलिए अब देख सकते हो इंडिविजुअल लाइन आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पे जो माप है 2 फीट तो हमने कर दिया बॉर्डर, अब 9 इंच का बॉर्डर है वो बना लेते हैं चारों ओर। ऑफसेट 9 इंच एंटर, चारों तरफ हम एक एक लाइन उसकी ड्रॉ कर लेते हैं। एस्केप से कमांड से बाहर आओ, फिलेट एफ एंटर, फिर से एफ एंटर, बार बार आपको एफ एंटर ना करना पड़े। तो ये मल्टीपल का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर लो तो कमांड से आप बाहर नहीं जाओगे, और चाहे कितनी बार फिलेट कमांड का यूज़ कर सकते हो। एंटर दबा दो, ये कमांड से बाहर आ गए हम। अभी 9 इंच की बॉर्डर भी आ गई हमारी। अभी देखते हैं 9 इंच की बॉर्डर के बाद क्या क्या सिनारियो लेना है। अभी ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अब लेते जाएंगे, यहाँ से 2 फीट है, 2 फीट पे 1.5, 1.5 बाय 1.5 का खर्च सर्कल है, 2 फीट यहाँ से और 3 फीट यहाँ से। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ऑफसेट 2 फीट एंटर, यहाँ से ऑफसेट 3 फीट एंटर, 2 फीट और 3 फीट हो गया। अब यहाँ पे जो सर्कल था, रेक्टेंगल था, REC एंटर, यहाँ से स्टार्ट करना है। डायमेंशन पर क्लिक करना है, 1.5 फीट एंटर, 1.5 फीट एंटर, रेक्टेंगल हमारा आ गया है 1.5 बाय 1.5 का। अब ये रेफरेंस लाइन दोनों में रिमूव कर लेता हूँ, उसकी मुझे अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हमारे पास 1.5 बाय 1.5 का रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल था यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, वहाँ पे ये आ गया है। अभी क्या करना है, यहाँ से 1.5 फीट नीचे, और यहाँ से दो दो फीट ये था और 1.5 फीट ये था, यानी 3.5 फीट। तो एक ऑफसेट ले लेते हैं,
ऑफसेट 3.5 फीट एंटर, एग्जिट लाइन पे आ गया और यहाँ से ऑफसेट एक्सप्लोड कर देते हैं पहले और यहाँ से ऑफसेट 1.5 फीट एंटर, ये लाइन यहाँ पे आ गई। अभी पूरा ये सिलेक्ट करना है और इसको सी ओ एंटर कॉपी एंटर ये पॉइंट से लेके यहाँ तक करना है। रेफरेंस लाइन मुझे अभी नहीं चाहिए, वो मैं रिमूव कर लेता हूँ। आप देख सकते हो हमारे पास ये दूसरा रेक्टेंगल भी आ गया। अब एक तीसरा रेक्टेंगल लेना है, इसके लिए हम ये लाइन एक्सटेंड करेंगे। ये इसकी फेस पे तो था और यहाँ से ऑफसेट 1.5 फीट एंटर, ये आ गया। सी ओ एंटर कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक। टी आर एंटर, जो लाइन हमें नहीं चाहिए वो रिमूव कर लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे 3 फीट हमने रखा था तो वो यहाँ पे मिलता है कि नहीं। मुझे थोड़ा कम लगता है, वो देख लेते पहले, क्योंकि वो भी सही मिलना चाहिए। ये 2 फीट मिल रहा है यहाँ पे और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 फीट ही था, यहाँ पे ही 2 फीट था। सही है, चलो एकदम सही आया हमारा ड्राइंग। जो माप एज्यूम करे है हमने वो भी सही है, चलिए बहुत बढ़िया। अभी आगे बढ़ते हैं ड्राइंग में। ये 3 रेक्टेंगल आप देख सकते हो आ गए हमारे पास और यहाँ पे 3 फीट था वो चेक करना है। यहाँ से जैसे 3 फीट था वो नीचे से 3 फीट होना चाहिए, वो देख लेते हैं। तो उसके लिए नीचे से पॉइंट पकड़ के यहाँ तक हमारे पास 3 फीट मिल रहा है, चलो ठीक है। तो हमारा ड्राइंग सही जा रहा है अभी। अभी ये राउंड कर्व लेना है तो उसके लिए हमने यहाँ पे तो माप नहीं डिसाइड कर दी करे थे, अभी माप उसके डिसाइड करके हम ले लेते हैं। चलो तो यहाँ से ये माप मैं लेता हूँ 1.5 फीट और यहाँ पे 1.5 फीट और यहाँ पे कर्व करेंगे। तो दोनों साइड 1.5 फीट 1.5 फीट लेके कर्व करेंगे। तो इसके लिए रेफरेंस पॉइंट ऑफसेट 1.5 फीट एंटर, एक यहाँ एक यहाँ। अब कर्व करेंगे, 1.5 फीट है, 2 फीट भी ले सकते हैं, मुझे कम लग रहा है, चलिए 2 फीट लेते हैं, डिलीट करते हैं उसको। और यहाँ से ऑफसेट 2 फीट एंटर, एक यहाँ पे ले लो और एक यहाँ से यहाँ ले लो। अभी जो रेफरेंस पॉइंट मिले हमने यहाँ से यहाँ, उसको जोड़ देते हैं। उसके लिए हम आर्क में जाएंगे और यहाँ पे स्टार्ट एंड और एंगल, स्टार्ट एंड और एंगल वाला लेते। अभी ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसमें देखते हैं कौन से एंगल पे यहाँ घूम के आया है, यहाँ थोड़ा घुमाव ज़्यादा है तो इस प्रकार से यहाँ पे भी हम इस प्रकार से लेंगे। टी आर एंटर, जो लाइन बाहर निकली है उसको रिमूव कर लेंगे और ये दोनों लाइन रेफरेंस लाइन रिमूव कर लेंगे। अभी आपने देखा कि एक हमारे पास आर्क आ गया है, यहाँ से हम ये 9 इंच लेते हैं और फिर यहाँ पे ये 6 इंच लेते हैं, फिर 9 इंच, फिर 6 इंच, ऐसा करते हैं। जो बीच वाली जगह है वो 6 इंच रखते हैं, बीच में 9 इंच रखते हैं। चलिए यहाँ से ऑफसेट 6 इंचीस एंटर, एक यहाँ पे 6 इंच लिया, फिर ऑफसेट 9 इंच ले लेते हैं और फिर से ऑफसेट 6 इंचीस लेते हैं बाहर की तरफ, इस प्रकार से आ गया। अब टी आर एंटर, जो जो लाइन हमें नहीं चाहिए वो रिमूव कर लेते हैं। ये कर लिया। अभी आप देखो यहाँ पे ये इतना पूरा दिखाना है, यहाँ से यहाँ इतना पूरा दिखाना है,
ये जो पार्ट है उतना पूरा दिखाना है हमें, ये वाला भाग। तो वो कैसे दिखाएंगे, चलिए देखते हैं। टी आर एंटर, यहाँ से ए लाइन और यहाँ से ए लाइन। आप देख सकते हो कि ये लाइन भाग पूरा दिखता है। फिर यहाँ से ये लाइन और यहाँ से ये लाइन। तो अभी आप देख सकते हो कि सेम हमारा जैसे ड्राइंग में था, यहाँ इमेज में था, वहाँ देख आप देख सकते हो दो बाजू खाली जगह, बीच में ये वाला बट्टा। सेम थिंग यहाँ पे जो है, ये पूरा इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ब्लू विंडो से। यहाँ से मुझे इस कोने पे चाहिए, तो यहाँ पे आप मिरर मिरर करवा सकते हो। तो पहले इसको सिलेक्ट करना है, एम आई एंटर, यहाँ से हम यहाँ लेते हैं, नो करना है, फिर से मिरर कमांड। एम आई एंटर, यहाँ से मिड पॉइंट लेते हैं, ये मिड पॉइंट मिल गया हमें, और यहाँ से यहाँ तक अभी सही आ रहा है। यस, इरेज ऑब्जेक्ट करना है हमें, ये लाइन रिमूव कर लेते हैं, और यहाँ पे ये लाइन आ गई है, उसको एम एंटर मूव कमांड से यहाँ से पिक पॉइंट और यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हो कि वही अभी इस बाजू आ गया है। टी आर एंटर, अभी जहाँ पे जो जो लाइन हमें रिमूव करनी है वो कर लेते हैं फटाफट से। आप देख सकते हो दोनों भाई दोनों साइड ये वाले जो डिज़ाइन था वो हमने कर दिया है। अभी अभी इमेज में जाते हैं। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ वुडन पार्ट बताया है, 1 2 3 वुडन पार्ट बताया है। यहाँ से ये 1, ये 2 और ये 3, इसी तरह इस ये फेस में भी है। तो जो माप हम यहाँ पे लेंगे वही माप यहाँ पे हमने हमको लेना है। तो चलिए पहले एज्यूम कर लेते हैं, ये 2 फुट का बॉक्स है, तो यहाँ से हम 2 फुट से यहाँ से कितना यहाँ से आगे हमारा माप आएगा वो हमें देखना है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से माप रखते हैं 4 इंच, यहाँ से पट्टा भी 4 इंच का लेते हैं, फिर 4 इंच, फिर बॉक्स 4 इंच का, फिर जगह 4 इंच, फिर बॉक्स 4 इंच, और यहाँ से फिर 4 इंच। तो 4 4 इंच पे जाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी 28 इंच हमारा होता है। टोटल 28 इंच हमें आगे जाना है। यहाँ पे जो ये पट्टा आया, यहाँ से समझ लो ये पट्टा आया, यहाँ से ऑफसेट 28 इंच एंटर यहाँ तक आएगा। अभी ड्रॉ कर लेते हैं, टी आर एंटर, ये वाली लाइन हमने निकाल दी। अभी यहाँ से ऑफसेट 4 इंच का हमने रखा था माप, यहाँ से मल्टीपल कर लेते हैं, मल्टीपल 1 2 3 4 5, तो इतने आ जाएंगे। अभी क्या करना है, यहाँ से पीछे से थोड़ी जगह थी, यहाँ से पहले एक्सप्लोर करवा लेते हैं। सिलेक्ट किया, एक्स एंटर, सिंगल लाइन हमें सिलेक्ट करनी है, ऑफसेट, तो यहाँ पे हम रखेंगे उसको 4 इंचिस दीवार से, 4 इंचिस रख दिया। फिर टी आर एंटर, ट्रिम कमांड लिया, यहाँ से कटिंग एड्स करते हैं, कटिंग एड्स बाउंड्री सिलेक्ट करने के लिए ये और ये, फिर एंटर किया, ये लाइन सिलेक्ट की और ये लाइन सिलेक्ट की, ऐसे फिर से टी आर एंटर, कटिंग एज हम ये ले लेते हैं, सॉरी कंट्रोल जेड,
टी आर एंटर कटिंग एज यहाँ पे, फिर ये लाइन सिलेक्ट करते हैं एंटर, ये सिलेक्ट कर दिया। अभी जो जो लाइन हमें नहीं चाहिए वो रिमूव करना है हमें। कितने बॉक्स है टोटल? तीन बॉक्स आएंगे टोटल। ये जगह होगी, फिर ये बॉक्स आएगा, फिर ये दोनों स्पेस आएगी, फिर ये जगह होगी, फिर ये स्पेस आएगी। अभी ये लाइन एक्सटेंड हो जाएगी यहाँ तक, और ये लाइन यहाँ तक एक्सटेंड हो जाएगी। आप देख सकते हो इस प्रकार से ब्रिक वर्क होगा, लेकिन मुझे अभी थोड़ा इसमें सही है, वैसे तो ऐसे ही करा है। मैंने सोचा कि इसके लाइन में से हम लेते तो थोड़ा अच्छा दिखता, लेकिन अपने प्लानिंग में जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये लाइन कुछ यहाँ पे है, लेकिन ये हमारा लाइन यहाँ से स्टार्ट होता है तो थोड़ा आगे से ही है। तो सेम थिंग हमारे ऑटोकैड में यहाँ पे ही है। बस तो ये जो है अभी ये सेम डायमेंशन सेम बॉक्स यहाँ पे हमें ले जाने हैं। उसको सिलेक्ट करते हैं, उसको मिरर करवा लेते हैं, एम आई एंटर, डायरेक्ट कोने में नहीं जाएगा, यहाँ से यहाँ सोर्स ऑब्जेक्ट नो, और फिर यहाँ से यहाँ एम आई एंटर, यहाँ से मिड पॉइंट चूज करते यहाँ से यस कर देंगे हम। तो आप देख सकते हो अभी लाइन हमारी आ गई है। यहाँ पे जो ट्रिम करनी है वो लाइन खाली ट्रिम करने की बाकी है अभी। ये लाइन ट्रिम हो जाएगी, यहाँ से ये लाइन ट्रिम हो जाएगी, यहाँ से ये लाइन ट्रिम हो जाएगी, और ये लाइन यहाँ तक चली जाएगी। और आप देख सकते हो ये वाली लाइन है यहाँ पे, ये वाला ऑफसेट 4 इंचेस एंटर यहाँ पे आएगा, और यहाँ से टी आर एंटर, ये लाइन ट्रिम हो जाएगी, और यहाँ पे ये लाइन है, ये पॉइंट पकड़ के आप यहाँ से जॉइंट कर लो। अब आप देख सकते हो हमारा ड्राइंग बिल्कुल रेडी है। इसमें लाइट फिक्सिंग का काम बाकी है, बाकी ड्राइंग हमारा रेडी है, बहुत अच्छा भी दिख रहा है। आप देख सकते हो इस प्रकार से अभी चारों ओर दो दो लाइट और रोप लाइट कैसे लगते दिखानी है वो देख लेते हैं। चलिए पहले रोप लाइट दिखा लेते हैं। रोप लाइट के लिए हम 3 इंच का ऑफसेट अंदर की साइड देते हैं, जहाँ जहाँ लाइट आएगी इसमें अंदर की साइड हम हिडन लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए पहले हिडन लाइन सिलेक्ट कर देते हैं, यहाँ से ऑफसेट 3 इंचेस एंटर अंदर की साइड चाहिए हमें, ऑफसेट 3 इंचेस अंदर अंदर अंदर, और यहाँ से एफ एंटर, इस प्रकार से हिडन बता दी लाइन बता दी, लेकिन अभी हिडन नहीं बताई। तो यहाँ से जाके आपको अदर में जाना है और उसमें लोड करवानी है लाइन को, हमें चाहिए डॉटेड, ये वाली डॉटेड। तो फिर से ओके करते हैं और यहाँ पे ओके करते हैं, ये पूरा लाइन अंदर वाला पार्ट सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे डॉटेड सिलेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हम जहाँ जहाँ भी हमारी रोप लाइट आएगी वहाँ ऐसी हिडन लाइन बता देंगे। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं।
लाइन सिलेक्ट की, ऑफसेट कमांड लिया, एंटर किया। यहाँ पे हमें मल्टीपल चाहिए, 3 इंच चाहिए और यहाँ पे मल्टीपल, तो पहले सिलेक्ट करते हैं। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 6 इंच पे 6 इंच का ही पट्टा है, तो वहाँ 3 इंच तो मिडल हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, 9 इंच का है तो चलेगा, कोई बात नहीं, ये 9 इंच है, ऑफसेट 3 इंच, फिलेट कमांड लेते हैं और यहाँ से मल्टीपल सिलेक्ट करते हैं। इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेते हैं, इस प्रकार से सिलेक्ट करने के बाद पूरा सिलेक्ट कर दो और यहाँ पे एक लाइन रह गई है वो सिलेक्ट कर दो। यहाँ से अपनी लाइन जो है वो हम हिडन बना देते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा काम। ये सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट करना है, MI एंटर मिरर कमांड लेना है और यहाँ पे ये मिरर यहाँ पे नो, फिर से ये सिलेक्ट करना है, इस प्रकार से मैंने सिलेक्ट कर दिया है और यहाँ से MI एंटर मिरर कमांड लिया, फिर से यहाँ से मिड पॉइंट पकड़ के यहाँ से ये हमने ले लिया, सीरियस ईयर्स वो ये डिलीट कर देना था हमें। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमने रोप लाइट इस प्रकार से बता दी है। अभी कहाँ कहाँ पे बाकी है वो देख लेते हैं। यहाँ पे भी रोप लाइट थी वो तो बता दी, लेकिन ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर सामने वाली बॉर्डर सभी जगह रोप लाइट है। चलो फटाफट उसको क्रिएट कर लेते हैं। ऑफसेट 3 इंच, मल्टीपल 1, वो गलत से 12 आ गया, वो डिलीट कर लेते हैं अभी। इस प्रकार से अभी लाइन सिलेक्ट करके डॉटेड कर देते हैं उसको। इसको यहाँ से डॉटेड करना है सिलेक्ट, सभी डॉटेड सिलेक्ट हो गई है। अभी कहाँ पे है वो देख लेते हैं। ये भाग गया, ये पट्टे के अंदर की साइड बताना है। इसके लिए ऑफसेट 3 इंच एंटर, एक यहाँ पे, 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 एक यहाँ पे और यहाँ पे सब लाइन सिलेक्ट करके डॉट सिलेक्ट कर दो। सभी लाइन सिलेक्ट हो गई, यहाँ से डॉटेड हम कर दिया। तो आप देख सकते हो कि हमारे डॉटेड लाइन जहाँ पे रोप लाइट थी वहाँ पे डॉटेड लाइन हमने दिखा दी है।
अभी हर जगह दो दो लाइट है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है। यहाँ पे दो लाइट है, यहाँ पे दो लाइट है, ये सामने चारों बाजू दो दो लाइट है। राउंड वाली 6 इंच वाली हम लेते हैं, तो उसके लिए सी एंटर, सर्कल एंटर किया, यहाँ से 3 इंच एंटर, ये हमारी लाइट का सर्कल आ गया, ऑफसेट 0.5 इंचीस बॉर्डर के लिए। फिर से कमांड लेना पड़ेगा, एरर आई, ओ एंटर 0.5 इंचीस एंटर, यहाँ पे ले लिया। फिर यहाँ पे एच एंटर, यहाँ पे सॉलिड ले लेते हैं, फिर यहाँ से ओके। हैचिंग जब भी करते हैं तो थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर भी चालू होता है, ऑटोकैड भी चालू होता है, तो थोड़ा सिस्टम पे लोड पड़ता है। यहाँ से ओके कर दिया। अभी हमारी लाइट यहाँ पे सैंपल रेडी कर दिया है हमने। एक लाइन अभी ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ऑफसेट 2 फीट एंटर, यहाँ पे लाइट आ गई हमारी। अभी एल एंटर, एक पॉइंट हमें मिल गया है, अभी कुछ कर नहीं करना है, ये लाइट को सिलेक्ट करना है। सी ओ एंटर, कॉपी करना है, और यहाँ से इस बाजू से हमें सिलेक्ट करना है, यहाँ से पकड़ा और यहाँ से उसको फिक्स कर दिया। अभी कुछ नहीं करना है, लाइट को पूरा सिलेक्ट करना है। फिर से एम आई एंटर, मीटर कमांड लेना है, नो, यानी ऑब्जेक्ट रखना है हमें, इरेज नहीं करना है। ये लाइट अभी रेफरेंस जो है डिलीट कर देता है, ये भी मुझे नहीं चाहिए, डिलीट कर दिया। अभी आप देख सकते हो 2 लाइट्स है हमारे पास, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से मिरर कमांड लेना है, एम आई एंटर, यहाँ से ये यहाँ तक, सीधे इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट नो नहीं करना है, यहाँ पे आ गए आप देख सकते हो। अभी ये लाइन में और ये लाइन में मुझे चाहिए, तो वहाँ देख लेते पहले कहाँ पे है लाइट्स। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो लाइट है वो थोड़ी इस तरफ है और यहाँ पे लाइट थोड़ी इस तरफ है, इसकी लाइन में नहीं है। ये आप देख सकते हो कि अगर इसकी, ये मानो कि यहाँ से, ये मानो कि यहाँ से 4 फीट है, तो यहाँ से ये, यहाँ से 4 फीट है, इसकी लाइन में नहीं है, ये लाइन में यहाँ पे कुछ ये लाइन आएगी, तो ये यहाँ पे 4 फीट, अगर ये लाइट और ये लाइट है तो यहाँ से ये कोने से 4 फीट और ये लाइन और ये लाइट रहेगी, यानी कि यहाँ पे जो जगह बचेगी वही जगह यहाँ पे बचेगी। चलिए ड्रॉ करते हैं फिर से। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे ये माप कितना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे तो ही सेंटर से सेंटर देख लेते हैं, सेंटर से सेंटर 5.5 फीट है, तो ऐसा ही करते हैं, सेंटर से सेंटर 5.5 फीट है हमारा अंतर। तो पहले एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं, अलग से लाइन ड्रॉ करता हूँ, एल यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से ऑफसेट 4.5, 4 फीट रखना है हमें, 4 फीट एंटर, यहाँ से लाइट रख दी, और यहाँ से कुछ नहीं करना अभी, यहाँ से एक एल एंटर, मिड पॉइंट से यहाँ, मिड पॉइंट रेफरेंस के लिए, और ये दोनों कॉपी करना है, सी ओ एंटर, ये कॉपी किया। फिर ये दोनों फिर से सिलेक्ट करो, आर ओ एंटर, रोटेट कर लो, रोटेट कर लिया, और यहाँ पूरी दोनों को सिलेक्ट करके सी ओ एंटर, कॉपी
और यहाँ से उसको कुछ यहाँ से पिक करना है और यहाँ से उसको रख लेना है। इसी तरह यहाँ पे भी एल एंटर, यहाँ से यहाँ एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से कितनी थी, ऑफसेट 4 फीट था, एंटर 4 फीट आ गया। यस 4 फीट देख लेते हैं, डायमेंशन कुछ गलत नहीं आया ना, 4 फीट सही है। यहाँ से एक एल एंटर, मिड पॉइंट से मिड पॉइंट दोनों लाइट सिलेक्ट करो, सी ओ एंटर, इस प्रकार से हमारी लाइट आ गई। अभी जो रेफरेंस लाइन ड्रॉ की थी वो रिमूव कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने लाइट भी प्लेसिंग कर दी है। बाजू की जो ऐसे सैंपल वाली लाइट है वो रिमूव कर लो आप इस प्रकार से। आप देख सकते हो ड्राइंग आपके सामने है, और अभी लेवल बताना बाकी है कि कौन से लेवल पे क्या पार्ट है, तो वो चलो देखते हैं पहले। सही है तो चलिए, तो यहाँ पे जो ये माप आएगा, ये माप आएगा 6 इंचीज रहेगा। यहाँ पे 0 फुट 0 0 इंचीज सभी जगह ऐसा है। यहाँ पे 6 इंच, यहाँ पे भी 6 इंच, ये भी 6 इंच, ये तीनों 1 2 3 सभी बॉर्डर जो पट्टी है वो 6 इंच अप रहेगी। यहाँ पे भी ऐसा होगा। चलिए फटाफट से लेवल देते हैं। तो आप देख सकते हो पहले हम सिंगल लाइन टैक्स दे देते हैं। स्टार्ट पॉइंट देना है, हाइट देनी है 3 इंचीस, एंटर, रोटेशन 0। यहाँ पे 6 इंचीस डाउन ऐसा लिख लेते हैं हम, और थोड़ा टैक्स साइड बढ़ा लेते हैं, बहुत ही कम हो गया है यहाँ पे 3 इंच पे, तो 6 इंचीस कर देते हैं, 6 इंचीस एंटर, अभी सही लग रहा है मुझे। यहाँ पे सी ओ एंटर, जहाँ जहाँ 6 इंचीस है ये पूरा भाग 6 इंचीस, ये 6 इंचीस, ये 6 इंचीस, यहाँ पे भी 6 इंचीस आएगा, 6 इंचीस, ये भी 6 इंचीस आएगा, ये पट्टा भी 6 इंचीस आएगा। अभी 0 फीट 0 इंचीस आएगा, जहाँ पे 0 फीट 00 इंचीस एंटर, तो वो सिलेक्ट करना है, सी ओ एंटर कॉपी करना है, और जहाँ पे 0.0 इंचीस आता है वहाँ पे हमें ये बॉक्स भी अंदर की साइड कटआउट रहेगा। ये पूरा भाग 0 फीट 0 इंचीस आएगा, ये बीच वाला भाग भी। तो दो ही लेवल में पूरा काम है और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। अभी डायमेंशन भी कर लेते हैं। अभी इस प्रकार से पूरा माप आप दिखा सकते हो।
इस प्रकार से। तो आप देख सकते हो अपने माप आ गए 2 फीट 9 इंचीज, 4 फीट 9 इंचीज, 6 इंचीज, 9 इंचीज, 6 इंचीज, 2 फीट 2 फीट। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी हम माप दिखा सकते हैं। पहले यहाँ से ही एक माप, यहाँ से डायमेंशन लो, फिर डी सी ओ एंटर, जो जो रेफरेंस पॉइंट आपको लेना है वहाँ से आप लेते जाओ। इस प्रकार से आप माप लेते जाओ, तो इस प्रकार से आपको डायमेंशन मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो अभी मैंने थोड़ा उसकी फ्रंट की हाइट स्केल बढ़ा दिया, तो अभी आपको डायमेंशन अच्छी तरह से दिखेंगी। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा आपको वीडियो? अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, सब्सक्राइब करें सिविल गुरु चैनल को, और ऐसे ही नए वीडियो पाते रहे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।